सर ये वीडियो जो है ना सर थोड़ी सी पुरानी है, तकरीबन 4 से 5 साल होंगे इसको। अच्छा, तो ये आपने कब अपलोड की थी, और जो लड़का था वो किधर है अभी, पाकिस्तान में? सर ये इन बंदों का तो तकरीबन अभी तो उनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ है, ठीक है ना सर, क्योंकि इन लोगों ने जितने भी बंदे थे सबको तकरीबन, मेरा जो ख्याल है सर वो तो पाकिस्तान ही निकल गए होंगे सबके सब ना, क्योंकि सर इन लोगों ने इसी तरह ही किया, बंदे बुलवाते हैं इनको इसी तरह ही करते हैं ना। अच्छा, लेकिन देखिए, बस आपसे यही एक मकसद था कि बताने के लिए कि एक तो हुकूमत आप लोगों के साथ आपके पीछे खड़ी हुई है जी इस सर दफा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, ऐसी कोई भी जगह हो, कोई भी जगह आप समझते हैं कि पाकिस्तानी के साथ किसी के साथ नाइंसाफी या जुल्म हो रहा हो, आपने फौरन मुझे बताना है, एम्बेसी को बताना है, ये अपने नदीम को बताना है, ठीक है? ये बड़ा जरूरी है, जी सर क्योंकि वो दिन चले गए हैं जहाँ ये बर्दाश्त करें, जी सर ठीक ठीक है? और आप जी लोगों के साथ मैं हूँ, मेरी पूरी मिनिस्ट्री है या आपकी मिनिस्ट्री, जी सर बहुत तो बहुत आपने शुक्रिया जहाँ भी आपने जोर देखना है कि हमारे बेचारे पाकिस्तानियों पे, वो आपने मुझे बताना। जी। सर मेरे साथ भी सर इन्होंने इसी तरह किया है सर, मुझे इन्होंने जो है ना यहाँ अपने ही वीज़ा पे बुलवा के मुझे नहीं आया 17 दिन के बाद मुझे हरूप में डाल दिया। फिर इनके बाद सर मुझे 6 महीने के बाद पता चला कि मैं हरूप में हूँ, तो इन्होंने सर फिर मुझे अपने पास यानी कि जॉब पे रखा और मुझे यही कहते थे कि हम तुम्हारा अकामा बना रहे हैं, सऊदी से बात हो रही है तुम्हारे। तो सर इसी मौतों पर इन लोगों ने मेरे तकरीबन 2 से 2.5 साल निकाल दिए, 2 से 2.5 साल निकाल दिए। और सर इन्होंने मुझे जो है ना फिर तो सर